Greetings dear children and welcome once again. I'm here with you with a new video. And children, in today's video we shall be discussing our chapter number 3 of Wonder Maths, that is addition of two digit numbers. So bachcho, aaj ki video mein hum maths ka chapter number 3 discuss karenge jiska naam hai addition of two digit numbers. To chaliye bachcho start karte hain. So let's start with our chapter children, that is addition of two digit numbers. So let's start with the meaning first children. What is the meaning of addition? So addition means putting things together. So bachcho, alag alag cheezon ko ya fir numbers ko jab hum ikhatta rakhte hain ya fir unko milate hain ya unko jodte hain to us process ko bachcho hum addition kehte hain. To isko hum samjhenge bachcho ek example ke sath. तो बच्चों एग्जाम्पल में हम फर्स्ट थिंग कंसिडर करेंगे मार्कर्स को. हमने कुछ मार्कर्स लिए हैं एंड सेकेंड थिंग में बच्चों हम कंसिडर करेंगे कुछ क्रेयॉन्स को. तो बच्चों अब हमें इनका एडिशन करना है, यानी कि हमें मार्कर्स को जो है क्रेयॉन्स के साथ मिलाना है, मींस इनका एडिशन करना है. तो बच्चों सबसे ज़रूरी बात कि जब भी हमें दो चीज़ों को या दो नंबर्स को ऐड करना होता है तो उसके लिए जो सिंबल होता है बच्चों, ये सिंबल होता है फॉर एडिशन. जहां पर भी आपको ये सिंबल दिखेगा बच्चों, इसका मतलब आपको वहां पर चीजों को ऐड करना है या फिर मिलाना है. तो बच्चों काउंटिंग स्टार्ट करते हैं मार्कर्स की इनको ऐड करने के लिए. 1, 2, 3 कितने मार्कर्स हैं बच्चों हमारे पास? 1, 2 एंड 3. तो बच्चों हमारे पास 3 मार्कर्स हैं. प्लस का साइन है बीच में बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया प्लस का साइन है, इसका मतलब आप उनको ऐड करेंगे. एंड सी द नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, 1 एंड 2. सो हमारे पास कितने क्रेयॉन्स हैं बच्चों? 2 क्रेयॉन्स हैं. तो अब हमें इन मार्कर्स को इन क्रेयॉन्स के साथ ऐड करना है, यानी कि इनको मिलाना है. तो अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं. अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना आंसर आता है बच्चों हमारे पास? काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो बच्चों जब हम इनको इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो ये जो नंबर आ रहा है वो है बच्चों 5. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन. जब हम फर्स्ट थिंग को सेकंड थिंग के साथ मिला देते हैं सो दिस इज कॉल्ड एडिशन. एंड अगर हम इनको नंबर्स के साथ देखें बच्चों, तो हमने यहां पर 3 को ऐड किया है 2 के साथ एंड आवर रिजल्ट इज 5. तो बच्चों ये दो नंबर्स जिनको हमने ऐड किया है, इन दो नंबर्स को हम कहते हैं एडेंड्स. एंड इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद बच्चों जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं सम या फिर टोटल. सो बच्चों ये हमने थिंग्स को मिला दिया है और ये बच्चों नंबर्स को हमने ऐड किया है, और जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडेंड्स, और जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है बच्चों उसे हम कहते हैं सम या फिर टोटल. चिल्ड्रन लेट्स गो थ्रू फ्यू पॉइंट्स बिफोर डूइंग आवर नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस क्यूब यू कैन सी चिल्ड्रन, सो दिस क्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ वंस. सो बच्चों हम वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल क्यूब से. सो दिस इज 1, 1 and this is 2 ones and this is 3 ones. So bachcho ones ka agar hame block se representation karna hai then we will use this simple cubes. In cubes mein hum ones ko represent karte hain children. Aur bachcho agar hame tens ko represent karna hai, agar hame tens ko represent karna hai to uske liye hum use karenge ye rods. Kyunki bachcho agar hum inko count kare तो एक रॉड में हमारे पास 10 क्यूब्स हैं. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो बच्चों ये एक क्यूब के बराबर है अगर हम इसको प्लेस करते हैं इस पर. तो जब ये 10 क्यूब्स मिल जाती हैं बच्चों तो ये बनता है वंस. सो टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम इस सिंपल रॉड से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज 1 10, this is 2 tens, 2 tens means 20, and this is 3 tens means 30. So one rod represents 1 tens.
सिमिलरली चिल्ड्रन अगर हमें 100 को रिप्रेजेंट करना है देन वी विल यूज दिस ब्लॉक. इसमें बच्चों अगर हम इन क्यूब्स को काउंट करेंगे देन दीज क्यूब्स विल बी 100 इन नंबर. सो दिस इज 100. सो अगर हम एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों सो दिस इज 100. और अगर हम ऐसे और ब्लॉक्स रखते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव केप्ट हियर टू ब्लॉक्स सो दिस इज 200. सो व्हाट नंबर इज दिस चिल्ड्रन? 200. 110, 210, 310 मीन्स 30. सो 233. सो आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस थ्री डिजिट नंबर टू यू यूजिंग दिस ब्लॉक्स. तो बच्चों अब हम जो एडिशन का एग्जाम्पल करेंगे वो हम इन ब्लॉक्स की हेल्प से करेंगे, दैट इज एडिंग विदाउट रीग्रुपिंग. तो चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं और इस एग्जाम्पल में हम ब्लॉक्स यूज करेंगे एडिशन करने के लिए. सो बच्चों हमें एडिशन करने के लिए दो नंबर्स की नीड होगी. सो दिस इज आर नंबर वन एंड दिस इज आर नंबर टू एंड जो इससे ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे. सो देखते हैं बच्चों कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है. सो 1, 2, 3, 4, 5 ones. तो पहले नंबर में बच्चों हमें 5 ones दे रखे हैं. लेट्स राइट इट 5 ones एंड 1 tens. 1 tens मीन्स बच्चों मीन्स 10. सो वी विल राइट हियर 1 and tens. So 1 tens. And let's see the second number bacho. 1, 2. 2 ones cubes are given to you. So 2 ones. And 1, 2. 2 tens means 20. So we are writing under tens column. So we will write here 2. So children, can you tell the numbers that we have to add? Yes. The first number is 15 and second number is 22. So let's write here children, our first number is 15. So let's write 5 under 1's column, 1 under 10's column. And next number is 22. So let's write 2 under 1's and 2 under 10's column. So this is the representation by numbers that we are adding. ये बच्चों हम numbers में add कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ये blocks की help से add कर रहे हैं. तो चलिए बच्चों इनको ऐड करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडिशन मतलब इन दोनों को, इन दोनों नंबर्स को हम मिला देंगे. सो वंस को वंस के साथ ही ऐड करेंगे बच्चों और टेंस को हम टेंस के साथ ही ऐड करेंगे. इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करना है. वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ. तो हमेशा एडिशन करते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि हम हमेशा वंस से ही एडिशन स्टार्ट करते हैं. कभी भी टेंस या हंड्रेड्स की साइड से ऐड करना शुरू नहीं करेंगे. दैट इज रॉन्ग. जब भी हमें ऐड करना है बच्चों हम हमेशा वंस की साइड से ही ऐड करना स्टार्ट करते हैं. ओके सो लेट्स डू इट नाउ. सो इन दोनों को मिलाते हैं बच्चों. फर्स्ट नंबर दैट इज 5 को हम ऐड करेंगे 2 के साथ. मींस हम इनको मिलाएंगे. सो लेट्स काउंट द आंसर व्हाट वी आर गेटिंग हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we are getting here 7 ones. Let's count here. 1. First let's get them together and now let's count them. 1, 2 and 3. It means we are getting here 3 tens. So 3 tens. सो बच्चों आपने यहां पर देखा इस एग्जाम्पल में कि हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड किया तो हमें इसका आंसर मिला 3 tens एंड 7 मींस 7 ones. इट मींस 37. सो लेट्स सी दिस हियर बच्चों. सो बच्चों यहां पर 15 और 22 जो है वो है आपके एडेंट्स. ये दोनों ही नंबर्स आपके एडेंट्स हैं और आपने इनको ऐड किया तो आपको आंसर मिला 37. सो 37 जो है बच्चों वो है आपका सम या फिर टोटल. ये बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं एडिशन का. इसमें हमें टू नंबर्स को ऐड करना है दैट इज 65 प्लस 32. सो लेट्स राइट 65 फर्स्ट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. सो 5 वी विल राइट इन वंस कॉलम एंड 6 वी विल राइट इन टेंस कॉलम. 32 2 इन वंस कॉलम एंड 3 इन टेंस कॉलम. नाउ let's add them. Children always remember that put the plus sign before adding. Let's start adding them children.
फाइव प्लस टू. सो काउंट फाइव ऑन योर फिंगर टिप्स फर्स्ट. वन टू थ्री फोर फाइव. नाउ काउंट टू मोर. वन टू. नाउ चिल्ड्रन टू फाइंड द आंसर काउंट ऑल द फिंगर मार्क्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सो आवर आंसर इज सेवन. इसी तरीके से बच्चों हम टेंस वाले डिजिट्स को भी ऐड करेंगे. सो फर्स्ट नंबर इज सिक्स. पहले नंबर जो है वो हमें सिक्स गिवन है बच्चों, तो हम अपने फिंगर मार्क्स पर सिक्स काउंट करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब हमें सिक्स में थ्री को भी ऐड करना है, तो थ्री और काउंट करेंगे बच्चों. वन टू थ्री. अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए टोटल मार्क्स को हम काउंट करेंगे दोबारा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. सो द आंसर इज नाइन. सो बच्चों जब हमने 65 को 32 के साथ ऐड किया तो हमारा आंसर आया 97. एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका. दैट इज 11 प्लस 6. तो अब हमें 11 को ऐड करेंगे 6 के साथ. सो 11 को हम लिख लेते हैं बच्चों वंस में 1 एंड टेंस में भी 1. एंड सेकंड नंबर बच्चों हमें 6 गिवन है. सो ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे वंस के नीचे एंड टेंस के नीचे. बच्चों कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वहां पर जीरो है. सो दिस इज 11 प्लस 6. पुट अ साइन ऑफ प्लस हियर. लेट्स ऐड देम चिल्ड्रन. सो वंस से स्टार्ट करेंगे बच्चों ऐड करना. तो 1 प्लस 6 काउंट 1 ऑन योर फिंगर मार्क, दैट इज 1. नाउ काउंट 6 मोर. 1 टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अब इनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम टोटल दोबारा से काउंट करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. सो राइट हियर सेवन. अब टेंस वालों को ऐड करेंगे बच्चों. वन प्लस जीरो. बच्चों जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, तो अगर हम किसी नंबर को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो आंसर जो है वही नंबर आएगा. ओके सो हम वन को ऐड करेंगे अगर जीरो के साथ, तो जो हमारा आंसर है वो वन ही आएगा. सो 11 प्लस 6 इज बच्चों 17. सो दिस इज योर आंसर. सो चिल्ड्रन आई होप दैट द टॉपिक टॉट इन द वीडियो इज क्लियर टू यू. थैंक यू चिल्ड्रन. हैव अ नाइस डे.